السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد محترم دينی بھائیو بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو और इस्लाम और बहनों अल्लाह की तौफीक से अरब नवी की शरह का ये सिलसिला चल रहा है पिछले दर्स में कलिमे ला इलाह इसका क्या माना है क्या मतलब है इसके क्या शराइत है इस हवाले से बात की गई और हस्ते वादा आज ये बताना है कि जब हम और आप कहते हैं महम लदुल तो इसका क्या मतलब होता है इसके तकाज़े क्या बनते जब हमने कह दिया महमद्ला तो इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होना चाहिए हमारे अमाल कैसे होने चाहिए हमारा अकीदा क्या होना चाहिए इस जुमले के अदायगी के बाद इस हवाले से आज की बातें आएंगी जब हम कहते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह इसका तर्जुमा ये किया जाता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हम इस बात की गवाही देते कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तीन चीज़ें मोहम्मद के बारे में जानना रसूल किसे कहते हैं ये जानना और अल्लाह आलमीन के रसूल का मनसब क्या होता है ये जानना उनका मकबल मर्तबा क्या होता है ये जानना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमी इंसानों में से एक इंसान थे जो कुरैश ख़ानदान से थे मक्का में आपकी पैदाइश हुई वही मक्का में ही आप पले बड़े वहाँ के माहौल में रहे और बचपन में यानी बहुत छोटे थे तो अरब के आम कल्चर के हिसाब से जो रवाज था कि कुछ सालों के लिए बच्चों को शहर से दूर बिल्कुल साफ़ आबो हवा में आबो फ़िज़ा में भेज दिया जाता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा गया प्यारे नबी वसल्लम भी गए फिर वापस आए मक्का में जवान हुए मक्का की गलियों में मक्का के इलाके में अल्लाह के नबी वसल्लम का चर्चा होता था कि मोहम्मद नामी शख्स बहुत नेक है बहुत सच बोलने वाला है झूठ से दूर रहता है अमानतदार है शरीफ इंसान जिन लोगों ने कभी मामलात कि उन्होंने देखा कि बहुत सच्चा आदमी धोखा नहीं देता झूठ नहीं बोलता ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले की बात है अल्लाह के नबी बाद में भी वैसे ही थे लेकिन नबूवत मिली रसालत मिली तो उनमें से बाज़ लोगों ने आप पर झूठा इतहाम भी लगाया इल्ज़ामात भी लगाए जो लोग आपको एक वक्त सादिक कहते थे अमीन कहते थे आपके पास ला के अमानतें रखते थे अपने निजी मसाइल निजी झगड़े को आपकी मौजूदगी में हल किया करते थे उन्हीं मक्का वालों में से कुछ लोगों ने आप पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम तो ऐसी बात की दावत देते हैं कि बाप बेटे में झगड़ा हो जाए भाई भाई में झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी में जुदाईगी हो जाए ये सब इल्ज़ाम आने लगे अल्लाह के नबी को कभी कहा गया कि ये जादूगर है कभी कहा गया कि इन पर जादू किया गया है कभी कहा गया कि क़ुरान मजीद ये जो कहते हैं कि क़ुरान है ये क़ुरान नहीं है ये खुद ही अपने से गढ़ करके बनाते, अपने से मना करके कलाब पेश करते कभी ये भी कहा गया कि आप हर जादू कर दिया गया है दोनों इल्जाम कभी कहते जादू करते हैं क्या कहा कभी कि जादू कर दिया गया है कभी ये भी कहते थे कि अशार है कुरान क्या ये अशार है और ये सब अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया सब बर्दाश्त करके अपने दावत का काम करते रहे कभी कभी अल्लाह के नबी को जिस्मानी अजियत भी पहुँचाएगी तकलीफ पहुँचाई अब इस दरस में प्यारे नबी के हवाले से इतनी बातें काफ़ी वज़ीह तफसील से जानना है तो हम सीरत की किताबें पढ़ सकते हैं महम्मद बिन आपके का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुलमली ये फरीश खानदान से थे हमारी और आपके जैसे बशर थे इंसान थे कोई दूसरी मखलूक नहीं जो लोग समझते हैं या चाहते हैं कि अल्लाह के नबी को किसी और मखलूक में शुमार किया जाए गलत है सच्चाई यह है कि सऊदी अरबिया के एक मशहूर शहर मक्का में अल्लाह के नबी सैदाइश हुई अब्दुल्ला और आमिना के आप बेटे महम्मद रसूल रसूल कहते हैं जो किसी का पैगाम किसी का रसाला रिसाला यानी ख़त कह लीजिए या या कोई पैगाम कह लीजिए मैसेज कह लीजिए ये किसी का पहुँचाए तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले कैसे पहुँचाते थे अल्लाह के नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमान से अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेजता था और सिर्फ प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं आपसे पहले भी कई अम्बिया के पास जिब्रील अलैहि सलाम ही आते थे तो अगर। <स्यों> अगर। इम्य। इम्य। जिब्रील अलैहि सलाम आए उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि मैं अल्लाह की तरफ़ से आया हुई और तुम्हें ये ज़िम्मेदारी सौंप रहा हूँ तुम्हें रसूल बनाया जा रहा तुम्हें नबी बनाया जा रहा है इस तरह से एक बशर एक इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल करके अल्लाह आलमीन ने इस हवाले से पुरानी मजीद में फरमाया एक फरमाया मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा ऊंचा मकाम इंसानों में इससे बड़ा मकाम कुछ नहीं हो सकता नबी होना रसूल होना और फिर नबियों का सरदार अरा यानी वो एक पूरी जमात ही बहुत बहुत फजीलत वाली फिर उस जमात का लीडर होना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया भी है अना सद वुल आदम कि आदम के औलाद जितने भी औलाद मैं उनका सरदार अल्लाह ताला ने उन्हें क्या बनाया सरदार बनाया लेकिन अल्लाह के नबी कहते थे तो मुझे इस पर कोई फ़्र नहीं मुझे इस तो पर कोई फ़्र फ्र नहीं किया जा सकता अल्लाह ने कुछ अता किया है अल्लाह का शुक्र करे कुछ भी दिया अल्लाह अल्लाह का शुक्र करे फ़्र नहीं कर सकता कभी तो हमारे जबान से निकल जाता है बेतवजही में कि फ़ख्र की बात फख्र की बात नहीं रहती शक्र की बात रहती अल्लाह ने नेता किया कुछ भी अल्मा किया इल्म आता किया दौलत अता की मनसब अता किया खूबसूरती अता की औलाद अ जो भी अता किया उस पर अल्लाह का शुक्र होना चाहिए फ़्र नहीं फ़ख्र नहीं अल्लाह के नबी अम्बिया के सरदार बहुत ऊँचा मकाम लेकिन नबी को फख्र नहीं इस अल्लाह का शक्र अदा करते फरमायाल्ल तकान्मादम वाला के रसूल्ला व खा तमन नबी गहम्म तुम में से किसी के बाप नहीं है तुम में से किसी के बाप नहीं है वला के अल्लाह, बल्कि क्या है अल्लाह के रसूल है व खा तमन और खातमुल अम्बिया है खातमुल अम्बिया है इसे इस आयत में एक बात ये समझ लें कि अल्लाह ने क्या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल है और ऐसे रसूल हैं जिनके बाद कोई रसूल आएगा भी नहीं वो वह नबीयीन, तमाम नबियों के ख़ातम यानी लास्ट आखिरी अब यहाँ पर नबोत का सिलसिला ख़त्म हो गया अब क्यामत तक शरीफ से शरीफ इंसान आ जाए मुस्ती से मतकी आदमी आ जाए नबोगत का दावा करेगा तो उसको झुकला दिया जाएगा जो तो झूठ बोलता है क्यों मोहम्मद सल वसम ही अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है आपके बाद कोई तो नबी आने वाला नहीं अल्लाह ताला ने प्यारे नबी से कहा या यान्नास इन रसोल जमीआ क्या नबी आप इस बात को कहिए यानी आप ऐलान कीजिए लोगों को बताइए या एन्नास ए लोगो सुनो इन रसूल कुम जमी आ मैं तुम सब के जानब अल्लाह का रसूल पूरी पूरी दुनिया पहले ऐसा होता था कि कोई नबी आते थे किसी ख़ास इलाके के लिए किसी ख़ास दायरे के लिए वहाँ के लिए आते थे लेकिन प्यारे वसल्लम रसूल हैं अल्लाह के रसूल हैं क़यामत तक आने वाले हर शख्स के लिए हर जिन के लिए और पूरी दुनिया के लिए किसी खास ख़त् के लिए नहीं तो सऊदी अरबिया के रसूल हैं हिंदुस्तान के लिए ऐसा नहीं है या इस सदी के अगली सदी में नहीं।, नहीं नहीं अब क़यामत तक अल्लाह के नबीसमी आखिरी नबी रसूल यानी उन्हीं की के रसालत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी हमें और आपको एक अदीस मह वकान नबी युब आसवी में एक ख़ास सतन व बज़तरन्नासिक के नबी अपनी कौम के जानब मखसूस करके भेजे जाते थे वो वह तो और मैं भेजा गया हूँ इला नाजिकाफा तमाम इंसानों की जानब अरब हो ग़ैर अरब हो मशरक में हो मगरब में हो दुनिया के किसी खिते में भी उनका रसो नहीं की कौन मोहम्मद रसोल्ला सल्ल तो देखिए भाईओ मोहम्मद सल्लम के बारे में पढ़े जाने आपकी सरत पढ़े देखें किन किन हालात से अल्लाह के नबी गुजरे रसूल क्या होता बताया गया और अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल यानी जो भी बताएंगे जो भी सिखाएंगे वो किसकी जानिब जानब से है अल्लाह की जानब से एक इंसान का भी कोई रसूल हो सकता है यानी पैगंबर हो सकता है कोई मैसेजर हो सकता है कि आपने किसी को मैसेजर बना के भेज देंगे जाके उनको ये बात बताओ अगर ही माने बात बताया जा, जाए यानी डिक्शनरी में इसका माना देखें कि रसूल का मतलब पैगाम पहुँचाने वाला लेकिन असला तो मतलब क्या है कि अल्लाह के अल्लाह का रसूल होना है यानी एक दीन एक शरीयत जो अल्लाह चाहता था कि इंसानों तक तो पहुँचे जिन्नातों तक तो पहुँचे उसके लिए अल्लाह ने किसका इंतब किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के रसूल है जब हम कहते हैं महम्मद तो इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात व्रतब होना चाहिए इसके क्या शराइफ है इस हवाले से बात आगे बढ़ाते हैं पहली चीज़ कि ये कलमा हकीकी मानों में तभी अदा होगा या हकीकी मानों में अल्लाह के यहाँ हम इस कलमे के मानने वाले तभी शुमार किए जाएंगे, जब हम दिल से इस बात का एतराफ़ करें दिल की गहराई से इस बात का एतराफ़ करें कि आज से चौदह सौ चौदह सौ साल पहले की बात चौदह सौ साल पहले की बात है मक्का में मोहम्मद नामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक शख्स थे जिनके पास आसमान से फरिश्ता आता था क़ुरान लेकर के और हदीसें लेकर के और ये दिन बताता था फिर वो ने दीन बताया उस दौर के सहाबा को और फिर उनके ज़रिए ताबीन को ताबीन के ज़रिए तब तबीन को और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया तक इस्लाम फैल गया पूरी दुनिया तक इस्लाम का पैगाम पहुंच गया हर जमाने के वो लोग जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया वो मुसलमान कहलाते हैं और जिन्होंने नहीं माना वो गैर मुस्लिम, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों तो हम जब कहेंगे मोहम्मद रसूलवा तो दिल से इस बात का एतराफ़ हो कि वो नबी अल्लाह के रसूल वो रसूल थे मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे दूसरी चीज़ ज़बान से इसकी गवाही भी देना इकरार करके इसकी गवाही देना बोलना है मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन इला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है उसके बंदे दिल मानता है पहली शर्त उसके बाद दूसरी शर्त क्या उसको आप कहो जबान से कह सकते हो तो कहो एक आदमी घूमा बोल नहीं सकता बात अलग है फिर उसको इजहार का जो तरीक़ा आता है उसके जरिए वो इजहार करेगा या अब किसी मसलहत के तहत कहीं मना कर दिया गया है जैसे खुद अल्लाह के नबी सारे नबी वसल्लम ने इब्तदा इस्लाम में बिल्कुल आगाज़ में इस बात से मना किया बादशाहम को कि तुम अपने खौब वालों के सामने जाहिर मत करो कि तुम मुसलमान रह गए कुछ दिन तक तो रुको ठहरो बाद में जब मजबूती आ जाएगी तो खुल्ला खुल्ला मुसलमान बन जाना लेकिन अपने सामने प्यारे नबी के सामने उन्होंने गवाही दी कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है अल्लाह के अलावा थी मोहम्मद बरहतनी इस बात की गवाही अल्लाह के नबी के सामने दी कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी पूरी दुनिया में डिजोरा पीटे कोई ज़रूरी नहीं लेकिन इतनी गवाही कि जिस गवाही के बाद मुसलमान माना जाता है दे सकता तो गवाही देगा वो बहुत रेयर ऐसा कहीं हो सकता है कि कहीं मजबूरन आदमी अपने इस्लाम को छुपा रहा हो और वह खुल कर कलमे का इकरार ना कर सके गवाही ना दे सके तो माजूर है वो वल्ला के माज़ूर है वो माज़ूर है कि अपने इस्लाम को उसने छुपा रखा है वरना मार दिया जाएगा कोई और बात हो जाएगी वो गलत मसला है लेकिन जहाँ गवाही दी जा सकती है वहाँ उसको गवाही देना है महमदर कहना अशदुल्ला व अशद महमदु पॉसिबलिटी हो फिर भी अगर कोई गवाही नहीं देता कहता मेरे दिल में है तो नहीं माना जाएगा वो नहीं मानेगा दोनों में से कोई भी चीज़ जाएगी अगर गवाही दे रहा है लेकिन दिल में नहीं है जैसे मुनाफिकी, मुनाफिकी गवाही देते थे कलमा पढ़ते थे लेकिन दिल में नहीं होता था तो मानेंगे? नहीं मानेंगे? मुसलमान नहीं माना जो या दिल में दिल में है जबान से नहीं कहते गवाही के अतबार से तो भी नहीं माना जाएगा जैसे उनको लगता था कि दिन सच्चा है लेकिन जिस तरह कलमे का इकरार करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ जाता है वैसे नहीं हुए वो तो नहीं माने गए दो चीज़ हो गई तीसरी चीज़ दी भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना जब हम कहते हैं ला महम्मद महम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सबसे अफजल है सबसे, सबसे इंसानों में सबसे ऊंचा मकाम वाले तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत के हकदार भी सबसे अफजल सबसे ज़्यादा महब्बत पोज होनी चाहिए महब्बत हो और सबसे ज़्यादा मुहबत हो ये कलमे के इस टुकड़े का तकाज़ा है जब हमने कहा महम्मद रसूलवा महम्मत अल्लाह के रसूल हैं तो इस टुकड़े का तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह के नबी सल वसम से मुहबत करें और सबसे ज़्यादा महब्बत करें इस हवाले से बहुत सारी हदीसें कुतब अदीस मौजूद हैं अनसरदी अल्लाह तुओ की मशहूर अदीज़ है कि रसूल सल वस ने फ़रमाया <्दिवाँ> नाजमा से बखारी अदीज़ कहते हैं कि नबी करीम ने फरमाया प्यारे ने बताया ये ऐसा नहीं कि ये कलमे की तस्वीर ऐसे ही की जा रही अल्लाह के नबी ने, ने फरमाया कह दिया है कि तुम में का कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता यानी ईमान का जो लेवल होना चाहिए आखिरी लेवल कामिल ईमान वो उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता वो इसके ईमान में कमी रहेंगी जब तक कि मैं उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा मूब ना हो जाऊँ यानी सबसे ज़्यादा मूब नहीं है तो ईमान का वो मकाम जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाओगे हो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे क्या फरमायादी उसके बाप से ज़्यादा महबूब रहूँ जब हमने कहा महम्मद रसोल्ला तो उसके बाद हमारे अब्बा हमें चाहते थे महबूब हो मोहम्मद सल्लम से ज़्यादा महबूब नहीं होना चाहिए ये बाप से ज़्यादा मोहब्बत किससे हो मोहम्मद सल्लम से उल्ते बढ़ गया मे वाली वालिद के अंदर दादा भी शामिल बाबा से दादा दादा से भी ज़्यादा मोहब्बत रसोल्ला से कबूर वाहद ही और उनके बच्चों से ज़्यादा आप मेरे नज़दीक मेरे अब्बा उतने महबूब नहीं है या नहीं होना चाहिए जितने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे बच्चे मुझे उतने महबूब नहीं होने चाहिए जितने मोहम्मद इतना बड़ा मकाम वन्ना से अजमाइन तमाम लोगों से वन्ना से अजमाइन बहुत बहुत ठोस जुमला है एक जुमले में सबको समेट लिया व नाज अजमाई तमाम लोगों से आ हम जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त अहबाब है जितने भी, है, भी ताल्लुकाती हैं, कोई इतना महबूब नहीं हो सकता बीवी बहुत महबूबा है लेकिन उस बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत मान पड़ जाए इन प्यारे नबी से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत में दादी रखना है अब बीवी अगर कहरी ना रखो तो बीवी की मोहब्बत इतनी नहीं होनी चाहिए बेबी से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि उसकी उसकी बातों में आके अल्लाह के नबी की, की मखालफत कर बैठो बाप से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि बाप की बात मान करके अल्लाह के नबी की, की मखालत कर बैठो माँ से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि माँ की मोहब्बत में अल्लाह के नबी की, की मखालत कर बैठो और उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं बहुत सारी मिसालें मौजूद एक साबिर रसूल ईमान ले आए तो उनकी माँ ने कसम खाली कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊँगी जब तक कि तू इस्लाम छोड़ेगा नहीं माँ से मोहब्बत तो होती है आप किसी की नहीं और चूँकि माँ ने हसन खाने तो खाना नहीं खाऊंगी तो मन जाएगी ज़ाहिर जाएग सी बात है खाना नहीं खाएगी तो मन जाएगी तो वो उनकी ये सोच थी कि जब मैं खाना नहीं खाऊंगी तो देर सभी मेरा बेटा आएगा मुझे मनाने के लिए ऐसा होता ना इमोशनली आप क्या कहते हैं ब्लैक मेल किया जाता है बहुत उम्मीद थी उसको लेकिन नहीं कल में सर महमद माँ बाप हो भाई हो भाई हो कोई गई अल्लाह उसके रसूल से महबूब कोई गई अब इसको कोई अगर ये कहता है कि माँ बाप पर दूरी कर दिया जाता है बहन भाई पर दूरी कर दिया जाता है तो कह जा रहे हक यही है कि अल्लाह उसके रसूल से महबूब हमें किसी को नहीं रखना है हम इस दुनिया में आए हैं आखरत में जाने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं आखरत बनाने के लिए दुनिया की रिश्तेदारियाँ दूँ दुनिया के तल्ल दुनिया के चाहे जितने अच्छे से अच्छे आराम व के साथ जो सामान हो वो सब यहीं रह जाएंगे, सब यही रहेंगे आपके कब्र में आपके साथ आपकी वाली ज़िंदा है तो नहीं दफन की जाएगी चाहे जितनी मोहब्बत आपके कब्र में आपका बेटा आपके साथ नहीं लेटेगा आपकी बीवी लोग कहें इनको भी दफना दिया जाए नहीं दफन होगी और आपके साथ अगर वो दफन हो भी जाए तो फरिश्ते आएंगे तो आपसे आपके अमान के बारे में पूछा जाएगा उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा ये हकीकत इसके साथ ज़िंदगी गुजारने महम्मदल रसूल्ला सब से ज़्यादा मोहब्बत इंसानों में प्यारे नबी महम्मदल्ला सल वसल्म से होनी है जब ये मोहब्बत होगी तभी आप इस्लाम पर कारबंद हो पाओगे अल्लाह ताली ने कुरान में बार बार याद दिलाया इन नम अमवाद मौलत जितना तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद फितना है यानी इनके झमेले में पढ़ करके अल्लाह की इबादत से गाफिल ना हो जाना दूसरी का फरमाया कि तुम्हारा तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा माल ये कही तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे एक जगह तारीफ़ के ऐसे मर्दों की जो तिजारत करते बिज़नेस करते हैं लेकिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते अन तजारत वाला वाल कि वो मर्द क्या खूब मर्द है जिनकी तजारत जिनका ख़रीदो फ़रोह उन्हें अल्लाह के फ़िक्र से नहीं रोक पाता गाफिल नहीं कर पाता जिनकी तजारत उन्हें नहीं रोकती अल्लाह की फिक्र से और नमाज से तजारत है बिज़नेस है माद है कमाई है औलाद है बीवी है बच्चे हैं माँ बाप है दुनिया के साथ सामान दुनिया की चीज़ें इन सबसे ज़्यादा महबूब क्या होना चाहिए जब हमने कहा मोहब महम्मद व रसूल अल्लाह के रसुल की मोहब्बत वसल्लम ये तीसरी चीज़ है अच्छा ये मोहब्बत पैदा कैसे होती है इसमें उलमा ने तीन बातें देखी किए जमाल कमाल कमालसान किसी भी इंसान के दिल में जो मोहब्बत पैदा होती है किसी चीज़ से उसके तीन इसबाब होते हैं तीन चीज़ों से मोहब्बत पैदा होती है इतना खूबसूरत झूमर है अच्छा लगता है उन्हें खूबसूरती अपनी तरफ खींचती है क्या बेहतरीन ये क्या है जमाल ख़ूबसूरती आप रास्ते में जा रहे चमचमाती हुई खूबसूरत बिल्डिंग है आपकी नज़र उधर जाएगी वो पसंद आएगा आपको बहुत बेहतरीन शाफ़ शफाफ़ पानी बह रहा है नदी के किनारे हरी हरी घास है और हल्की हल्की आवाज़ आ रही है बहुत खूबसूरत मंजर है ठहर जाएगी आप जमाल खूबसूरती अल्लाह के नबी वसल्लम इतने खूबसूरत थे एक साहब ही कहते हैं कि रात का वक्त था मैं कभी चाँद को देखता था और कभी अल्लाह के नबी को देखता था इनमें ज़्यादा खूबसूरत कौन अल्लाह ताला ने दीदार में से फरमाए इतने खूबसूरत अल्लाह के नबी वसल्लम ये जमाल दूसरे कमाल किसी चीज़ का बेहतरीन क्वालिटी में होना उससे भी मोहब्बत पैदा होती है ये कारी बेहतरीन कैरत कर रहे हो तो दिल लगता है सुनने का दिल कहता है लंबी रवाज़ हो तो भी अच्छा लगता है बेहतरीन क़ैरत दिल भाता है रसो ऐसे ही कोई बेहतरीन कोई चीज़ हो एक नंबर की वह आदमी का दिल लग जाता है तो बेहतरीन साउंड सिस्टम है हल्की सी भी आवाज़ बोलो पूरी मस्जिद कूट जाती है अच्छा लगता है वही इसका उल्टा हुआ तो आदमी परेशान हो जाता है कमाल अल्लाह के नबी वसल्लम ने जो कुछ किया बेहतरीन अंदाज़ में किया एक शोहर के रूप में बेहतरीन शोहर एक बाप बेहतरीन बाप एक दोस्त बेहतरीन दोस्त जो भी आपकी ज़िंदगी का जो पहलू देखो बेहतरीन ज़बरदस्त तीसरी चीज़ एहसान एहसान किसी के साथ भलाई करना बहुत भलाई के अल्लाह के नबी सु हम हमारे ऊपर भी अल्लाह के नबी की बहुत सारी आ, प्यारे नबी सब की बहुत सारे एहसान हैं जो आपने हमारे साथ किया अल्लाह के नबी से मिसवाक बहुत पसंद थी लेकिन ऐसा अंदाज नहीं इख्तियार किया कि अल्लाह ताला फ़र्ज़ कर दे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब बड़ी महबूब थी तीन दिन तक आकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई थी लेकिन फिर कहा मुझे अंदेशा है कहीं ये फ़र्ज़ न कर दी जाए ऐसे बहुत सारे एहसाना प्यारे नबील वसल् बहुत सारे एहसान ऐसी ऐसी तली हैं कि तालीमत के नतीजे में समझ नहीं आता है कि अगर अल्लाह के नबी ने तालीम नहीं दी होती तो हमारा खजारा था हमारा नुकसान था छोटी छोटी ऐसी सी बातें जो हमारे लिए बहुत मुफीद खुफीद बहुत काम की थी है। तो जब अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में देखेंगे तो खुद बखुद मोहब्बत पैदा होगी दिल के अंदर एक तो ये अकीदे के साथ रहना कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा महबूब हमें वो होने चाहिए लेकिन उस मोहब्बत को चार्ज कैसी है किया जाए तो पढ़ना होगा सुनना होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जितनी जानकारी होगी वो बढ़ती चली जाएगी चौथी चीज़ है दीनी भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के इत इतबा फर्माबरदारी ज़रूरी है जब हम कहें वमदसूल्ला तो उसका असर ही होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में कि जहाँ ये बात आ जाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के नबी ने कहा ये करो तो करना है फिर इत होनी चाहिए ये नहीं है कि हम एक तरफ कलमा पढ़ते मोहम्मद और रसोल्ला मानते कुछ भी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं लेकिन अल्लाह के नबी की कोई बात अपनाने के लिए तैयार हुई साहबा ऐसे नहीं थे साहबा ने जब कहा मोहम्मद रसोल्ला तो ऐसी ऐसी मिसालें मिलती है कि वाकई अल्लाह के रसूल रसूल मानने का अमली नमूना साहब कराम ने पेश किया था इस हवाले से एक वाक़ा देखें جابر رضي الله تعالى عنه كاتي لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا الله کے رسول جمعة کے دن کھڑے ہوئے انہیں ممبر پر کھڑے ہوئے اور پیارے نبی نے فرمایا اجلسوا میٹ جاؤ کیا فرمایا میٹ جاؤ فَسَمِعَ ذَانِكَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ अल्लाह के नबी की आवाज़ अब्दुल नबी ने मसऊद की कानू से टकराई उन्होंने ये सुना फ़जर सापिल सा मस्जिद वो मस्जिद में इंटर हो रहे थे दाखिल हो रहे थे वहीं मस्जिद के दरवाज़े पर ही बैठ गए क्यों बैठ गए अल्लाह के नबी ने कहा कि बैठ जाओ वहीं बैठ गए अल्लाह के नबी सल्ला वसम्म ने उन्हें देखा फ़राज़ रसूल सल्ह वसम अल्लाह के रसूल ने उन्हें देखा फ़काल तब्ला के नबी ने कहा आप मसूद इधर आओ बुलाया वो कार यानी अल्लाह के नबी के कहने का मकसद नहीं था कि वहीं बैठ जाओ जो लोग मस्जिद में थे खड़े थे अल्लाह के नबी चाह रहे थे वो बैठ जाए खुद ब श्र होने वाला था लेकिन सहाबी का इतबा सुनिए देखिए कि अल्लाह के रसम को बात मा त्यारे नबी की बात मानने का जज्बा कितना था कि जैसे कान में आवाज़ खड़ी कि बैठ जाओ वहीं बैठ गए

अचानक अल्लाह के नबी ने अपने जूतों को निकाल दिया नमाज के दौरान अपने जूतों को निकाल के मायब कर दिया निकाल दे soátahu, जब लोगों अल्लाह के नबी ने ऐसा किया तो लोगों ने भी अपने अपने जूते निकाल दिए जूता निकाल दिया फलम कलाता जब अल्लाह के नबी नमाज से फारिग हुए तो कहा कि तुम लोगों ने अपने जूते क्यों निकाल दिए मैंने निकाला था तुमने क्यों निकाल दिए तो लोगों ने कहा रला का अता फ़लाअ हमने आप तो देखा कि आप निकाल रहे जूता तो हमने तो भी निकाल दिया ऐसा कि अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं हमें भी वो करना है इतना इतबा इतना अल्लाह के नबी को कापी करने की फ़िक्र कि बयानबीसम क्या करते हैं हमें भी करना है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्ना जबरी रतानी कि जविलल मेरे पास आए थे अकबर अनी और उन्होंने मुझे बताया अननफ़ी हम अजन कि मेरे जूते में गंदगी लगी है और उस गंदे का गंदा लगा है फ़ैदा जाम मस्जिद आ बस जब तुम में से कोई अदी मस्जिद आए फन कलप न अल तो अपने जूते को पलट करके देख ले फ़ैन आफ़ी हिमा अजन अगर उसमें कुछ गंदगी दिखती है तो उसको क्या कर लें उसको रगड़ ले उसको रखड़ के साफ़ कर ले इस सदी से बहुत सारी बातें हैं हमारे और आपके इल्म इलम इजाफे के लिए एक तो ये कि अल्लाह के नबी आनेबलब नहीं थे जूते में कुछ लगा ये भी पता नहीं रहता था जो लोग कहते ना कि नबी को ईब का इल्म होता है अल्लाह के नबी से अवसर पर जूते में गंदगी लगी अल्लाह के नबी को इस बात का भी है कितना करीब रहता जूता उसका इल्म नहीं है आसमान से जिबरी आकर के बता रहे हैं कि नबी आपके जूते में कुछ लगा हुआ है दूसरी बात ये भी है हमें और आपको थोड़ा आ, हो सकता है जहन बात आ रही हो कि जूते में कैसे नमाज़ पढ़ते थे तो देखिए अलग अलग दौर होता है अभी मस्जिदें साफ़ हैं कालीन है साफ़ सुथरा है तो यहाँ वो जूता पहन के जो रास्ते में चलते हैं कोई आएगा तो जाहिर सौदा गंदगी फैलेगी गंदगी फैलेगी लेकिन जूता एक लिबास का हिस्सा है अगर बिल्कुल साफ़ सुथरा है उस पर कोई गंदगी नहीं लगी है तो कोई नापाक चीज़ तो आई नहीं नापाक चीज़ को पहनेगा जैसे आप कपड़ा नापाक नहीं पहनते तो जूता नापाक पहनते हैं वही नहीं पाक नहीं पहते ये मसला वहाँ आता है कब्रस्तान में जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तब लोग कहते हैं कि जूते निकाल दो चप्पल निकाल दो अब जूता निकाल कुछ लोग ऐसा करते हैं जूता निकाल के चप्पल निकाल के उसी पर खड़े होते तो देखिए अगर अगर नापाक है तो उसको पाक करना ज़रूरी है अगर नापाक है तो उसको पाक करो अगर पाक है तो निकालने की जरूरत नहीं है देख अगर पाक है तो निकालने की जरूरत नहीं पाक है वो चीज़ आ ये अलग मसला है कि एक सिस्टम एक निज़ाम के तहत कोई नहीं पहन के आता है मस्जिद में कानीन बिछी हुई सब कोई निकाल देते हैं तो कोई हारज नहीं लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए आज के ज़माने में भी कि जहाँ जूते में ही नमाज पढ़नी पड़े या बोजे में ही नमाज पढ़नी पड़े तो उसका पाक रहना ज़रूरी है पाक है तो पढ़ सकते कोई अरज बात नहीं बैरगैफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने प्यारे नबी को देखा कि वो जूता निकाल रहे हैं तो साहब राम ने भी निकाल दिए अल्लाह के रसूल को रसूल मानने का जज्बा था कि अल्लाह के नबी कुछ ऐसे नहीं करते इतनी इतमा पाई जाती थी पाँचवा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीज़ों से रोक दिया उनसे दूर रहे जिस चीज़ से भी जब हम कहते हैं मोहम्मद रसोल्ला मोहम्मद अल्लाह के रसूल है तो अल्लाह के नबी ने जिस चीज़ से रोका है गोया कि अल्लाह ने रोका है किसने रोका है अल्लाह ताला ने रोका है उससे अमर आपको दूर रहना है ये इस सवाल इसलिए इस खादी सही मुस्लिम के देखे अब्दुल अब्बास तालौ तालौ कहते हैं कि रसूल सल्लम ने ख़ा तम मंदबिन फ़ैदी और जुली एक आदमी के हाथ में सोने वोटी की अंगूठी देखी फ़न अजा अबू अल्लाह के नबी ने उसे खींचा फ़रा अब और उसे फेंक दिया इन्हें उनके हाथ से उनकी उंगली से अंगूठी निकाली और फेंक दिया वालान और फरमाया अमीद वद को जमा इला जमारन फ़ैज अबा फ़ियादी अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि में का कोई आदमी इस बात का इरादा करता है कि वो आद का एक एक चिंगारा या आपकी चिंगारी इसको पहने फ़ैजा अलवा फ़ैदी उसको अपने हाथ में रखे आद का अंगारा रखे इनको ऐसा चाहेगा इन्हें नहीं चाहेगा फ़कील अन बदमादाबर रसूल वसल्लम तो अल्लाह के रसूल से कहा गया जब तो उस आदमी से कहा गया जब रसूल सलम चले गए रसूल्ला ने अंगूठी निकाली फेंक दी और कहा कि आग का अंगारा है लगा ये आग का अंगारा है और फरमाया और उसको कह करके अल्लाह के भी चले गए फिर बाद में दूसरे लोगों ने कहा कि खुश खातमा का इंतफी कि अंगूठी उठा लो और इससे फ़ायदा उठाओ तो उन्होंने कहा ना وقد رسول الله वाला कहा कि नहीं मैं इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा जिस अंगूठे को अल्लाह के नबी ने एक और निकाल करके मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा अल्लाह के रसूल ने पेकार रसोल्ला अल्लाह के रसूल ने पेकार अब यहाँ सवाल उठता है कि फिर साहब कराम क्यों कह रहे थे तो उठा लो वो भी तो आखिर सहाबत थे ये भी साबी है और जिन लोगों ने कहाँ उठा लो वो भी साधी है ना तो उन लोगों ने क्यों कहाँ उठा, उठा लो उसमें है ना यार इससे फ़ायदा उठा सकते हो मर्द का सोने के अंगूठी सोने की चैन या सोने की कोई दूसरी चीज़ें पहनना ये मना है औरत के लिए जायज है उठा करके घर की औरत को दे दो दूसरी जो देवातों में है भी कि कहाँ औरतों को दे दो औरतें इससे फ़ायदा उठाएँगे वो पहनेंगे इससे तो आप देखिए सहाबा के यहाँ ये जज्बा था कि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया बात ख़त्म फ़ौर मा बल्कि उसमें उसमें इतना अहतमाम करते थे कि ये साहबी रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फेंक कर उसको हाथ भी नहीं लगाओ उसमें हाथ भी लगाओ हालांकि जायज़ था जायज़ था कि उसे उठा करके औरतों को दे देते दूसरों को इसको इस्तेमाल कर लेता तो अल्लाह के नबी जब मोहम्मद रसूल कहते हैं तो रसूल का ये मकाम आता है उसने किसी चीज़ से मना कर लिया दूर रहे उससे उससे दूर रहे उससे बचें कहे भी ये बात कि मेरे रसूल ने मना किया है मैं चीज़ कर सकता हूँ लेकिन इसलिए नहीं कहता तो मेरे रसूल ने मना किया मोहम्मद एक बात और है छठी चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात की तस्दीक करना अल्लाह के रसूल ने जो भी बताया है उसको सच्चा करार देना कि आज सच है चाहे वो हमारी समझ में आए चाहे समझ में ना आए चाहे हमारी अक्ल वहाँ तक पहुँचे चाहे ना पहुँचे हमें उससे क्या करना है तस्दीक करना क्या ये सच्ची बात जब मेराज का वाक़ पेश आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे आज रात यहाँ से ले करके और मस्जिद अक्सा ले जाया गया मस्जिद अक्सा उस वक्त मस्जिद अक्सा का सफ़र सवारी से घोड़े वगैरह से करते थे तो महीनों से ऊपर लगता था ये आमतौर पे 40-45 दिन लग जाता था वहाँ तक सफ़र जाना इतना लंबा था और अल्लाह के नबी क्या दावा कर रहे हैं कि मैं रात के एक एक वक्त गया और जा के फिर रिटर्न भी आ गया तो कोई भी आदमी सुनेगा तो इस बात को कबूल करेगा अब वह को पता चला कि मोहम्मद ऐसा दावा कर रहे हैं तो उसने खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी कि अच्छा आप गए भी जा कर के वापस भी आ गए एक रात के अंदर वहाँ जहाँ चालीस दिन लगता जाने में अवसे ज़्यादा लगता है वहाँ जा कर के आगे उसके अलफाज क्या थे वो उसको सही तौर पर मैंशन नहीं कर सकता लेकिन उसने बात यही कही कि इतनी लंबी वसाफत को आप इतने कम वक्त में कैसे तय कर सकते फिर कुछ लोग अबोब के सिद्दी फ़लत अल्लाह तौ के पास गए और उनसे कहा क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक रात में वहाँ जा कर के रिटर्न आ जाए उन्होंने कहा नहीं ऐसा ऐसे हो सकता है तो कहा आपके साहब कह रहे हैं क्या कहा आपके साहब यानी मोहम्मद वसल्लम ऐसा दावा कर रहे हैं तो कहा अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है क्या कहा अगर मोहम्मद ने कहा है तो सच कह रहे हैं वो झूठ नहीं बोल वो झूठ नहीं बोलते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो बात सच है तस्दीक करना है आपने अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया सच है जर मराबर छपाई की गुजाइश नहीं है चाहे माजी के बारे में कोई बात बताई हो चाहे फ्यूचर के बारे में कोई बात बताया हो कि मुस्तविन में ऐसा होगा अल्लाह के नबी ने कहते बात खत्म ना होगा ऐसा हो कैसे होगा कब होगा हमें नहीं पता और हमें जानना भी नहीं अल्लाह के नबी की तस्दीक करना कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने ऐसा फरमाया जब गजब बद हुई जंग हुई तो अल्लाह के नबी रात ही में सब कराम को बता दिया था कि कल जो जंग होगी उसमें फला फला आदमी फला फला जगह पर मारा फड़ा हुआ होगा ये उसका कत्ल हो जाएगा और यहाँ यहाँ उसकी लाश पड़ी रहेगी एक साहब साबिक कहते हैं कि हमने देखा बिल्कुल उसी जगह पर बिल्कुल वही जगह अल्लाह ने बताया कि यहाँ ऐसा फड़ा रहेगा वही हमने देखा दूसरे दिन उसकी लाश वही पड़ी अल्लाह के नबीर ने बताया ये आते यहाँ पड़ा रहेगा हमने देखा वही उसकी लाश पड़ी उसी जगह पर उसकी लाश पड़ी अल्लाह के नबी खुद से थोड़े ना कुछ बोलते थे नहीं। हुआ अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा को जो वाह के जरिए बताया जाता तो वही बताते थे अब फ्यूचर के बारे में फ्यूचर के बारे में तुमने बताया है तो उसकी भी तस्दीक करनी है माजी के बारे में तुमने बताया तो उसकी भी तस्दीक करनी है उसमें अकल थोड़ी नला ला रहा है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो नहीं मारेंगे ये समझ में आ रही है इसलिए मारना है नहीं ये बात नहीं असल ईमान ला रहा है असल हमें और आपको ईमान है कि अल्लाह रसूल ने कह दिया हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं उसमें कुछ बातें हैं जो अक़ल में आएंगी कभी ऐसा भी हो सकता को है कोई बात अक्ल में लाए तो उसकी वजह से इनकार थोड़ी ना करेंगे इस हवाले से गदीस देखें अबू वेरा री अल्लाह तौ हदीस ने कहते हैं हम करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई न मत जुल रहा किबला बकरती कि एक आदमी गाय की सवारी कर रहा था किस पे बैठा था गाय पर गाय की सवारी ही कभी वह आदमी गाय पे सवार गाय सवारी है गाय पे सवार हुआ जाता है घोड़े पे सवार हुआ जाता है गधे पे कहीं के सवार होते हैं खच्चर पे सवार हुआ जाता है ऊँट पे सवार हुआ गाय की सवारी तो नहीं होती है तो एक आदमी गाय पे सवार कर रहा था उस पर उसको चला रहा था अलतफ़ात अलई अब वो गाय ने सब बोल किस को देखा फिर जो उसकी पीठ पर बैठा है फकालत और बोल पड़ी हो गाय ने क्या कहा लम्ब अखलक आदा मुझे इसलिए नहीं पैदा किया गया और तो जब बोली होगी तो आदमी उसकी तो वाक सीते रह गया होगा उसने क्या कहा लम उखलक आदा मुझे इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि तुम मेरी सवारी करो खन खन निल हरासा मुझे पैदा किया गया था खेती बाड़ी के काम आओ उसके लिए मुझे पैदा गया क़ाल अल्लाह के नबी कहते हैं आमन तो बिही अन व अबोबकर उमर इस बात पर मेरा भी ईमान है बकर का भी ईमान है उस और उमर का भी ईमान देखिए अल्लाह के नबी बता रहे और क्या कह रहे है कि बात जो बता रहा हूँ इस पर अबू बकर भी ईमान लाएगी इस पर उमर भी ईमान लाइक एक गायक कैसे बोलती है हमने आपने किसी ने सुना है मतलब उसको इंसान की भाषा में बात करते हुए नहीं सुना है लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे अबू बकर ईमान लाएंगे इस बात पर ईमान बकरी पहले कभी ऐसा हुआ है ईमान लाना है इस पर तस्दीक करने की ऐसा, ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है ऐसा नहीं कि देखेंगे तुम तो मानेंगे अल्लाह के नबी ने बता दें बात खत्म है ऐसा हुआ है इसमें ताजुब क्या है अगर अतन से भी इस बात को थोड़ी देर के लिए हम समझे किसी को समझाने के लिए कोई ऐसा आदमी जो नहीं समझता है कि हमारे बोलने में हमारा क्या कमाल है हमारे मुंह में जो ज़बान है क्या लोग के मुंह में नहीं रहती जबान रहती ये तो कौत गोया ही है कि सपीदे के साथ हम बोलते हैं कि अल्लाह ने हमें अता की है तो क्या जो अल्लाह एक इंसान एक गोश्त पोश्त कम तो भी बने हैं हड्डी है गोश्त पोश्त है, है मुँह चेहरा बना हुआ है ऐसे एक एक और मखर व भी बनी हुई अल्लाह उसे भी कौत गोयाई ही दे रहे उसमें तजब क्या है कयामत के दिन हमारे हाथ पैर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बोलेंगे ना अल्लाह कोई को दे देगा तो ऐसा नहीं के बाद अकल में नहीं आता अकल में भी आती लेकिन एक आदमी थोड़ी थोड़ा ताजब लगेगा ये ऐसे कैसे हो सकता है तो इस वजह से वो इनकार नहीं कर सकता है अल्लाह के नबी ने जो बता दिया उसको तस्दीक करनी है चाहे उसका ताल्लुक फ्यूचर से हो चाहे उसका ताल्लुक माजी से हो ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है एक चीज़ और कि नबी करीम अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर राजी रहना आपके तो फ़ैसले पर राजी रहना फ़ला वरबिन सजरबला तसलीमा ये रब की कसम तुम्हारे रब की कसम लोग मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि अपनी तुम्हारे तुमको फ़ैसला न बना ले तुम्हें फैसला करने वाला जज न मान ले किसमें जिसमें तुम्हारा इख्लाफ है तुम्ह और फिर आपको जज बनाने के बाद उनके दिल में कोई हरज नहीं होना चाहिए कोई एराज में गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह के नबी ने यह कैसा फ़ैसला किया वो कैसा नहीं अल्लाह के नबी ने फैसला कर दिया किसी मसले में फैसला तस्लीम है अल्लाह के नबी ने कोई फैसला साबित कर दिया फैसला सही है ख़त्म बात ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ तो कहेंगे मोहम्मद के रसूल आए और किसी मसले में हम बजाय ये देखें कि मोहम्मद वसलम फैसला कि आप पुलिस चौकी में जा कर गैर मुस्लिमों से गए फैसला को ये कलमे के खिलाफ है ये कलमे के ख़िलाफ़ है कि किसी मसले में शरीयत ने रहनमाई की हो और शरीयत को छोड़ के अलमा को छोड़ करके वहाँ मस्जिदों को छोड़ करके या अपने दीनी इंस्टीट्यूट को छोड़ कर के आदमी पुलिस चौकी में जाए कचहरी में जाए वहाँ से फिर फैसले लेकर के आए कहीं ये नहीं मानूँगा वो मानूँगा तो अपने अल्लाह के रसूल को रसूल कहाँ माना आपने क्या पा रसूल्ला किसी मसले में फ़ैसला दे चुके हैं आपको वो मानना है वक्त के जज का फैसला नहीं माना जाएगा तो उसने ये फैसला दिया, वो फैसला नहीं दिया ये भी एक मसला है बैठे एक चीज़ और है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तमाम बशर की बात पर तो फौकियत देना यानी किसी मसले में अल्लाह के रसूल की बात मौजूद है तो आपकी बात को तरजीह दी जाएगी आपकी बात के पीछे सबकी बात आपकी बात से किसी की बात को तो बढ़ाया नहीं जाएगा कि अगर किसी मसले में हम हदीस फेज कर रहे हैं कि अल्लाह केसल्ल में यह फ़रमाया तो एक आदमी कहे कि नहीं फला इमाम साहब तो ये कहते हैं ये सब नहीं चलेगा इस हवाले से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अमाल के कौन जिक्र करूँगा बात बहुत सारी है कहते हैं इमाम शाफी रखना अजमल अब लिखा नी कहते हैं कि किलमा का इस बात पर इजमा है इजमा सारेमा कि जिसके सामने अल्लाह के रसूल की सुन्नत प्यारे नबी के हदीस वाज हो जाए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है प्यारे नबी की सुन्नत है उसके बाद ये कहे कि नहीं फलाँ साहब तो ये कहते हैं कि फ़ला इमाम ये कहते हैं इस बात की गुंजाइश नहीं है ये कौन कह रहे हैं इमाम साहबी राइम् एक कलमे के तकाज़े में से तकाजा ये भी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की जाए सपोर्ट किया जाए जब अल्लाह के नबी बायात थे आपकी ज़िंदगी में सहाबा आपके साथ खड़े रहते थे जहाँ जरूरत पड़ती थी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी खड़े रहते थे माल की ज़रूरत पड़ती थी खड़े रहते थे अब वद्दीक रदी अल्लाह ने अपनी कमाई कई मरतबा पूरी पूरी जुटा दी जो जरूरत पड़े जब आए तो दे दिया उसमान रदी अल्लाह ने दर अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया ताकत तो और वौत की ज़रूरत पड़ती थी सहाबिक खड़े रहते थे यहाँ तक कि एक सहबी तीर आते थे तीर जंग के अंदर तीर आते थे तो अपने सीने पर खाते थे कि अल्लाह के रसूल को ना लग जाए खुद खाया अपने सीने पर खाया हिमायत मदद सपोर्ट अल्लाह के नबी के को कि उस सेफ्टी फराम करना ये अल्लाह के नदी अहम था जब हमने कहा कि रसूल अल्लाह के रसूल उनकी हिफाजत करना हम पर सबू है अब अल्लाह के नबी हयात नहीं थे अल्लाह के नबी का ये मक़ब अल्लाह के पैगाम अल्ला की वजह से है अल्लाह की रसायल की वजह से जो अल्लाह ने अल्लाह के मोहम्मद को दिया था इसकी हिफाजत करना यानी हदीसों की हिफाजत करना हदीसों का मकाब फलत करना उलमा का एहतराम महदसिन का एहतराम हाँ खुदा का एहतराम सब का एहतराम लाजिम है सब का एहतराम करते भी है लेकिन कहीं अल्लाह के रसूल की हदीस को दबाया जाए और किसी के कौन को ऊँचा किया जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए आपका मकाम सबसे बुलंद है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पीछे डालकर किसी कौन को आगे किया जाए तो हमें नहीं बर्दाश्त होना चाहिए कि नहीं चलेगा अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं है इस मसले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रुचि रही है हाँ किसी मसले में अगर कोई हदीस नहीं मिलती है किसी का कोई असर मिलता है किसी सहाबी को कोई बात मिलती है उसमें हदीस नहीं मिल रही उस मसले से मुतक तो वह बात अलग है लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि अल्लाह के की हदीस हिल रही है फिर भी आप उसकी तायद ना करो उसकी हिमायत ना करो तो ये अल्लाह के रसूल के कलमे का हक़ अदा नहीं है हक तलफी है ये अल्लाह के रसूल वसल्लम की एक आखिरी बात इस हवाले से ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बांधा उसवा है अल्लाह के नबी उसवा आइडियल हर हर चीज़ में आइडियल अल्लाह के नबी वसल्लम के जो अकीदे थे हमें अकीदा अपनाना है अल्लाह के नबी वसल्लम के इबादत का जो तरीक़ा था हमें वही तरीक़ा अपनाना है अल्लाह के नबी का जो अखलाक था लोगों के साथ हमें उसी को कॉपी करना है उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करना है उनके नक्श वैसा बन नहीं सकते वैसा बन नहीं सकते हम वो कभी हो भी नहीं पाएगा लेकिन जो सिखाया है उन्हें राह पर चलना है लक़त का लतफ़ी सोल नालायतला अल्लाह के नबी को उवाव मानो आयद मानो ये प्यारे नबी वसल्लम का हम पर और आप पर हक है तो महम्मद रसूल सल्लाम महमद रसूल ये जो जुमला है कलमे के अंदर इस हवाले से आज का ये दर्ज खा अल्लाह ताली से दुआ है कि फिरब्लामिन अमीन बातों को सुनने के बाद इस पर मन करने की तोहफ़ा फ़रए आमिन तकबुल वरमक